Hello future officers, my name is Rohit Garcha and this is Abhimanu IAS, a platform which has more than 25 years of experience and has given out more than 2200 positive results since 1999. Every serious aspirant knows कि अगर आपके current affairs sorted हैं, that means you are practically ensuring your selection in any civil service for that matter. Now this video is part 1 of the series जहाँ पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. पार्ट 1 है ये. कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहाँ पे रिलीज किया जाएगा. सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें. लिंक के अंदर जब जाएंगे वहाँ पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे. वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. फॉर नाउ टेक द प्रिंट आउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स. लेट्स बिगिन. ठीक है जी, चलें आगे. आ जाओ. सेवंथ पे आ जाइए बच्चे. हाँ जी. तो ये इसके लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है डिजिटलाइजेशन फॉर डिकार्बनाइजेशन. इसमें है कि ब्लॉकचेन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन से डिकार्बनाइजेशन, एफिशिएंसी. हर चीज़ आपको जितनी भी आपने यहाँ पे डिजिटलाइजेशन की बात करी है फॉर डिकार्बनाइजेशन, वो सारी चीज़ आप एफिशिएंसी के उससे कर रहे हो. इसने सिर्फ सच ऐज करके बता दिया. ये बोल रहा है कि आप आइडेंटिफाई करो क्या क्या आपके समझ में आ रहा है, कैसे होगा ब्लॉकचेन से. किसी अगर कोई किसी की किस्मत इतनी ख़राब रही है कि आपको कोई शिपिंग कंपनी से डील करना पड़ा है कुछ बाहर से मंगवाने के लिए, वो नहीं जो आपने ऑनलाइन जाके ऑर्डर कर दिया और बाहर से ऑर्डर आ रहा है, नहीं कि आप किसी को फ़ोन पे बोल रहे हो, है ना, कोई ऐसी कंपनी है वो ऑनलाइन नहीं अवेलेबल है और आपने कुछ सामान मंगवाना है. देर इज़ एन नंबर ऑफ पेपर वर्क्स. लास्ट व्हेन आई चेक, जब मैं इसमें फंसा था, दैट देर वर 6 चेक्स और हर जगह के पेपर अलग हैं, है ना. हर जगह आई हैव टू गो. अगर मेरे को हर जगह जाना पड़ रहा है, या तो आप कोई बंदा हायर कर लो जो आपके बिहाफ पे जाएगा, राइट. तो अगर आपने ये ब्लॉकचेन में कर दिया तो आपकी वो वाली इन्फॉर्मेशन सिक्योर्ड है. उस एंगल पे डिजिटाइजेशन वही करेगा, वो आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, थोड़ा सिक्योर हो जाएगा. ठीक है, चलें आगे. इंडिया एजिंग रिपोर्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, राइट. ये अगर सोसाइटी के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आएगा मेंस में नेक्स्ट ईयर, तो वो इस एंगल को डेफिनेटली टच करने वाला है 100%. वन वे और दी अदर वे ये वाला टॉपिक टच होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन में जो बूढ़े लोग हैं उनकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है. इसके साथ में और भी प्रॉब्लम भी एसोसिएटेड है कि क्यों ये कंसर्न है और हमारे लिए खासकर क्या कंसर्न है, राइट. जिसमें से एक कंसर्न है दैट वीमेन लिव लॉन्गर देन मैन, सो देर इज़ अ फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज ऑल्सो. और क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर नहीं होती है, तो वीमेन बिकम मोर वल्नरेबल बिकॉज दे आर लिविंग लॉन्गर. तो परसेंटेज में उनका शेयर इंक्रीज होगा. तो हमारे को थोड़ा सा और केयरफुली इस प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा. थोड़ा सा एंगल बता रहा हूँ आपको किस तरफ को जा रही है ये बात, वाई वी आर स्टडिंग इट. आइए बच्चे देखते हैं. India is likely to have more elderly people than children, जो कि 0 से 15. हालांकि चिल्ड्रन की जो एज है वो हर एक्ट में अलग अलग है. फैक्ट्रीज एक्ट में 14 तक है ना, किसी में 15 तक है, और जो पॉक्सो है उसके अंदर 18 है, राइट. तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि कौन सी एज ग्रुप है, दैट इज 0 to 15 बाय 2046 विच इज देयर. अबाउट द रिपोर्ट मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज कि इसकी एजेंसी कौन सी है, दैट इज़ UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड. आया नहीं किसी के मन में सवाल कि लिखा तो यूएनएफपी है, ये फुल फॉर्म कैसी दे दी, पढ़ा नहीं ध्यान से। चलिए आगे चलते हैं। चलो होता है, कोई बात नहीं। एक हमने शायद एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें शायद डेट वगैरह गलत लिखी हुई थी या कुछ ऐसा, है ना। हाँ होता रहेगा ये तुम्हारे साथ। यूएनएफपीए यहीं पे लिख लो चाहे एरो डाल के, यूएनएफपीए के ऊपर पहले ही शॉर्ट नोट डाल लेते हैं। वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ ट्रस्ट फंड। ट्रस्ट फंड इज जिसमें आप किसी पे ट्रस्ट करके उसको पैसा दे देते हो और बोलते हो तुम्हें ये काम करना है, तो यू कैन बी द ट्रस्टी एज अ ट्रस्ट। क्या लिखा हमने भी, एज अ ट्रस्ट फंड। ओके पूरी स्टेटमेंट बताना यार, कोई सेंस नहीं बन रही है। हाँ ब्रैकेट में लिख लो एंड कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज लेटर रीनेम्ड एज यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड while retaining the abbreviation। थोड़ी सी इंडिया भारत वाली डिबेट समझ में आ रही है इससे। while retaining the abbreviation UNFPA नाम बन गया होगा ना in 1987। ठीक है जी, ये मुद्दा है। डैश डाल के लिख लो completely supported by donations। कंप्लीटली सपोर्टेड बाय डोनेशन मत लिखो, एक नेगेटिव टर्म होता है। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस, रिश्ता वही सोच नहीं। सपोर्टेड बाय वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। चंदा नहीं बोलेंगे वो, पार्टी फंड, चंद पार्टी फंड भी नहीं बोला जाता, यही बोला जाता है उसमें, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस। तभी आप लोगों में से ना कुछ को शायद मैंने ये फीडबैक लिखा भी है कि आप लोगों का ना कंटेंट बिल्कुल ओके है। किसी एक बंदे को नहीं मैंने उसमें लिखा कि आप अपने कंटेंट को बढ़ाओ, और कोई बोलेगा भी नहीं आपको, बात भी वही कहनी है लेकिन तरीके से बोलना वही है, वो कंटेंट नहीं चेंज होगा। कंटेंट सबका ओके है, टेक माई स्टेटमेंट राइट, कंटेंट सबका सही है, बस बात कहने के तरीके में जितनी क्रिएटिविटी ला सकते हो उतनी ले आओ, जितना यूनिक आंसर लिख सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ट्राई करो। आइए बच्चे आगे देखते हैं। फंड्स आर नॉट एसोसिएटेड, ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लिखवा रहा हूं आपको मैं, उनकी आदत है टेढ़ी मेढ़ी चीज पूछने की। फंड्स आर नॉट एसोसिएटेड विद द यूएन रेगुलर बजट, अलग चलता है इनका पूरा। आइए डेटा पे चलते हैं। अगर आप देखेंगे पेज नंबर 8 पे जो नीचे से जो लास्ट हेडिंग है, दैट वन पॉपुलेशन एजिंग का क्या मतलब है, इज एसोसिएटेड विद अ राइज इन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन टर्म्ड एज ओल्ड। हर कंट्री अपने हिसाब से बोलता है इसको, यूजली एट 60 और 65 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, बेसिकली इंडिया में इसको हम रिटायरमेंट से लिंक कर देते हैं, है ना, और उसके बाद में जो सीनियर सिटीजन कार्ड्स हैं उनको एक वो 75-80 के बाद में जो CGHS वगैरह में उन्होंने अलग से डिफाइन किया हुआ है कि हम स्पेशल स्टेटस किसको देंगे। जैसे CGHS कार्ड होल्डर जो होते हैं उनको बाकी सबको लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन जो 80 एंड अबव है उनका कार्ड अलग हो जाता है और दे कैन डायरेक्टली गो टू द डॉक्टर स्ट्रेट अवे, राइट। तो इस टाइप की फैसिलिटीज़ हम देते हैं, हर एक्ट के हिसाब से अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन की फैसिलिटी कौन सी चाहिए, राइट। CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये सेंटर के एम्प्लॉय आपको भी मिलेगा अगर सेंटर के एम्प्लॉय बन जाते हो गलती से। जैसे ये भाई तो हिमाचल का SDM लगेगा, कुल्लू का। चलिए, जब भी हम पॉपुलेशन एजिंग की बात करते हैं, राइट, उसमें यहाँ पे 3 की डेमोग्राफिक चेंजेस एस्टेब्लिश किए हैं। पॉपुलेशन में चेंज आएगा कैसे, वो देखिए। डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी, पैदा कम हो रहे हैं, है ना, तो पॉपुलेशन में चेंज आएगा। तो अगर नए लोग कम ऐड हो रहे हैं, फर्टिलिटी रेट आपका 2.1 से कम जा रहा है, राइट, तो नए लोग कम पैदा हो रहे हैं, तो मतलब कि ओल्ड एज बढ़ जाएगा एक समय पे, राइट। और क्योंकि नए लोग नहीं ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब डेमोग्राफी चेंज होगी। डेमोग्राफी का मतलब ये हुआ कितने लोग किस एज ग्रुप में फॉल करते हैं, है ना। और जो काम करने लायक लोग होते हैं ना, उसको, उस पॉपुलेशन को बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि ये हमारा एसेट है, राइट। तो जिस कंट्री के पास में एक समय पे डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा होता है, वो एक समय पे जाके फिर उसको थोड़ा देखना भी पड़ता है कि यही पॉपुलेशन ओल्ड हो जाएगी। और ओल्ड एज के अंदर आपका ना शरीर आपका साथ छोड़ता है, जुबान नहीं, है ना, इसीलिए गालियाँ पड़ती हैं आप लोगों को। इससे भी एक शेर याद आया मुझे, सुनना चाहोगे? हाँ, अच्छा, वहाँ तक हो तुम्हें। वो शेर कुछ ऐसा था कि हम बूढ़ों की डांड डबट की पूरी इज्जत करते हैं, गरम भले हो पानी लेकिन पानी आग बुझाता है, है ना। तो मेरा नहीं है। आइए, यूपीएससी घुमा सकता है आपको किसी भी एंगल पे। डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको समझ में आ गया कि एक आपके पास ऐसी पॉपुलेशन है जो हाथ पैर चला सकती है, राइट, और एक पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रही है, उसको एसेट में कैसे बदलोगे, समझ रहे हो एंगल। ओ, रिडक्शन इन मॉर्टेलिटी, क्योंकि अब आपकी मेडिसिन वगैरह सुधर गई हैं, लोगों का लाइफस्टाइल सुधर गया, तो अब लोग ज़्यादा जी रहे हैं, राइट, मॉर्टेलिटी कम हो गई, इलाज होने शुरू हो गए हैं। एंड लास्ट इज इंक्रीजिंग सर्वाइवल एट ओल्ड एज, मतलब जो ओल्ड एज वाला बंदा है वो और ओल्ड होता जा रहा है, ओल्ड एज आगे पुश होती जा रही है, राइट। चलिए, एक इसमें डेटा पॉइंट है, जो सेकंड लास्ट पॉइंट है बच्चे, एक बारी उसको देखिए, थोड़ी सी वर्ल्ड वाइड पिक्चर समझ में आएगी कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में। देयर आर 1.1 बिलियन पर्सन्स एज्ड ओवर 60 इयर्स कंप्राइजिंग 13.9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है बच्चे। एंड एशिया के अंदर, एशिया इज होम टू अबाउट 58% ऑफ दी, परसेंट की बात हो रही है, ठीक है, 58% ऑफ दी ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ ओल्डर पर्सन। और नेक्स्ट पेज के ऊपर आपका जो है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा गिवन है कि ग्लोबल कितनी बताई हुई है इसमें, लगभग 14%, और इंडिया में कितनी है, 10.5% के करीब, ठीक है। तो मतलब इसीलिए भी हम जो विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं ना, वो इसीलिए भी कर पा रहे हैं। हमारे पास डिविडेंड ज़्यादा है, हमारे पास हाथ पैर चलाने वाले लोग ज़्यादा हैं। वो अलग बात है कि वो क्लासों में बैठ के यूपीएससी की लिमिटेड सीट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लोग एचपीएस की 11 सीट्स के लिए, है ना। आइए बच्चे, अब वो देख लेते हैं जो मैं आपको पहले बता रहा था, चैलेंजेस ऑफ एजिंग पॉपुलेशन। उसके एस्पेक्ट्स देखेंगे। चैलेंजेस आपको पता ही है ऑलरेडी कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी होती है, उनकी वो वाली हेल्थ केयर की नीड्स नहीं होती जो आप लोगों की होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ केयर इज रिक्वायर्ड। आइए, एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं इसमें। फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज, इसको लिख लो आप, women living longer than men, मतलब प्रॉब्लम क्या है वो थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। women living long, ये प्रॉब्लम नहीं है, women living longer than men resulting in higher levels of widowhood resulting in higher levels of widowhood and the associated सोशियो-कल्चरल, ये जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा था उसको वर्ड्स में डालने की कोशिश की जा रही है, सोशियो-कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेप्रीवेशंस। जो स्ट्रक्चर वाली बात है वो सोशियो-कल्चरल में इंक्लूड हो जाएगी, है ना, जो पेट्रियार्की और ये सब जो टर्म्स हैं वो सोशियो-कल्चरल में सब्स्यूम हो चुकी हैं। एंड इकोनॉमिक डेप्रीवेशंस कॉमा हेंस इंक्रीजिंग डिपेंडेंसीज तो एक फिस्कल डेफिसिट वाली वेलफेयर स्टेट के लिए ये चीज प्रॉब्लम है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, गुड। नेक्स्ट इज रूरलाइजेशन। ये डेटा पॉइंट है बेसिकली। रूरलाइजेशन, हाई प्रोपोर्शन ऑफ, क्या मतलब है इसका? हाई प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन अमंग एल्डरली। नेक्स्ट इज थर्ड एस्पेक्ट इसका, एजिंग ऑफ द एज्ड। अब मुझे आपकी हेल्प लगेगी इसमें, सजेशंस क्या है, व्हाट आर द सजेशंस दैट कैन बी गिवन? क्या रिकमेंड करोगे, क्या करना चाहिए? स्केलिंग दी ओल्ड एज, हाथ पर नहीं चलते, एआई इंटीग्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे। दैट इज सम फॉरवर्ड लुकिंग स्टफ राइट देयर। चलो, मतलब इट इज समथिंग टू लाफ अबाउट, बट आप सोच के देखो कि दे आर नॉट अपडेटेड, उनके व्यूज ना आज के टाइम में आपके काम के नहीं हो सकते। देयर इज अ पॉसिबिलिटी उनको यूज करना बंद करो, उनकी वेलफेयर के लिए रिकमेंडेशन दे दो। स्कीम्स बहुत हैं ओल्ड एज के लिए, किस चीज की कमी है? अवेयरनेस, राइट, परफेक्ट। स्कीम्स की कमी नहीं है सच में ओल्ड एज के लिए और आपकी एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, राइट, डिसेबल्ड, राइट, या व्हाट वी शुड कॉल स्पेशली एबल्ड, उनके लिए स्कीम्स की कमी नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। सो लेट राइट इट डाउन, इसको आप ही के वर्ड्स में लिख लीजिए। चलो बता देता हूं मैं, द गवर्नमेंट मस्ट वर्क on increasing the awareness about the schemes. तो दैट इज वाई हमारे पास बाकी स्कीम्स है ना। दोबारा एलेबोरेट करो अपने पॉइंट को आप। हाँ, तो वो तो जिनको मिल रही है वो आप वैसे भी आपने उनको बीपीएल कैटेगरी में डाल के रखा हुआ है, वो तो एक टोटली अलग टॉपिक है। दैट इज आपकी कि इतने पैसे में सर्वाइवल पॉसिबल है भी या नहीं, मतलब सब सारे ओल्ड एज की पेंशन 800-1500 रुपये नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आप अगर आप एनपीएस में कर रहे हो या आपने ईपीएफओ के थ्रू कर लिया, तो इट विल डिपेंड कि आपने कितना दिया है, राइट। जनरल स्टेटमेंट नहीं है वो, इट्स नॉट कॉमन टू, सारे सेट के ऊपर लागू नहीं हो रही है बात। बाकी आप इसको मेंशन जरूर कर सकते हो, डेफिनेटली मेंशन हो सकती है। लिखिए, लिख लो इसको, कैसे लिखोगे बताओ? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीम्स especially addressing the financial empowerment, है ना, ऐसे लिख दें इसको, especially addressing the financial empowerment. वो ये मत फंड्स के नंबर मत मेंशन करना, वो पंगा लेने वाली बात हो जाती है आंसर में. जैसे कुछ बच्चों ने आज भी कुछ फैक्ट्स गलत लिखे हुए थे, एग्जैक्ट परसेंटेज लिख दी कि कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर में वो है, और एक ने ओवर 50% लिखा हुआ था. आप प्राइमरी सेक्टर से कंफ्यूज कर रहे हो एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर सब पार्ट है उसका, राइट. क्या लिखा हमने, थोड़ी पूरी स्टेटमेंट बताओ, थोड़ा लाउडली बताना यार. हाँ, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, कॉमा, हेल्थ, and capacity building needs. Capacity building needs of the aging population. इससे जो हमारी प्रॉब्लम है एजिंग की, वो कैसे सॉल्व हो रही है? एजिंग की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही. परफेक्ट पॉइंट, परफेक्ट पॉइंट. वो आएगा बर्डन, ये एक्सेप्टेंस है, वो आएगा क्योंकि हमने TFR को कम कर रखा है ना. ये तो आनी है, पर वो जब तक आपका ग्राफ सीधा नहीं ना हो जाता तब तक आपको करना पड़ेगा ये. मतलब TFR आप कम करोगे, टोटल फर्टिलिटी रेट कम करोगे, समझ कौन, जिसमें वो एज वाला जो ग्राफ होता है ना, एज ग्रुप वाला, राइट, और फीमेल मेल वाला जो ग्राफ होता है उसमें, उसको स्ट्रेट करना पड़ेगा आपको. हाँ, विद द स्पेशल फोकस, है ना, ऐसे करके आप इसको मेंशन कर सकते हो. गुड पॉइंट, बड़ी सुधर गए यार तुम लोग, तो अच्छे हो गए हो. और बताओ, सही बात है. हाँ, यार उस चीज को एक्सेप्ट कर लो. आप उनको फाइनेंशियली आप निचोड़ चुके हो द इकोनॉमी, है ना. फैक्ट तो फैक्ट ही है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, होता है. आपको नेगेटिव लग सकता है, पर फैक्ट तो फैक्ट है. उन्होंने एक आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है, जैसे उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने वो पेंशन फंड के लिए भी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट. उन्होंने प्रॉपर्टी बना दी है ऑलरेडी, राइट. बस उनसे बैंक नहीं जाया जा रहा, वो उनसे दवाइयाँ लेने नहीं जाया जा रहा, राइट. उनको लोनलीनेस की प्रॉब्लम है और वो आपके समाज का हिस्सा है, और इनएविटेबली अगर आप उससे पहले नहीं टपके, है ना, तो आप भी वही होने वाले हो. सो बेसिकली जो भी आप यहाँ पे बात कर रहे हो, आप खुद में ही इन्वेस्ट कर रहे हो टेक्निकली. अगर आप सोच रहे हो जो भी यहाँ पे सोल्यूशन दोगे, है ना, वो आप पे ही, आपके लिए ही है. जो वो वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं पीछे, वो ये इट इज़ गेटिंग बिल्ट राइट नाउ. जो आप सोल्यूशन अभी अभी प्रेजेंट करोगे, जिस भी नज़र से देखोगे, राइट. ये जैसे ओपन माइक्स वगैरह होते हैं ना, गया कोई? ओपन माइक्स वगैरह होते रहते हैं, अलग अलग इवेंट्स होते हैं जिसमें कोई बंदा कुछ भी कर सकता है. जाके एक माइक लगा देते हैं, सामने ऑडियंस बैठी है, वो जिसको कॉमेडी करनी है वो कॉमेडी कर लो, जिसको कुछ भी करना है. तो उसमें एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है कि बी द ऑडियंस यू वॉन्ट टू हैव, राइट. अगर आप चाहते हो कि आप जब सुना रहे हो तो कोई आपको सुने, तो आपको पहले बैठ के सुनना पड़ेगा, राइट. तो बस ये कुछ सेम सी बात है. जो वो वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट एंड इट्स हैपनिंग राइट नाउ, राइट. इसके अलावा ना बच्चे, एक और 2-4 टेक्निकल टर्म्स में लिख लो आप. एनहेंसिंग दी गैरिएट्रिक केयर, गैरिएट्रिक, GERIATRIC, गैरिएट्रिक, एनहेंसिंग द गैरिएट्रिक केयर इंफ्रास्ट्रक्चर / सॉल्यूशंस. गैरिएट्रिक का मतलब होता है रिलेटेड टू ओल्ड एज, है ना. इफ आई से गैरिएट्रिक प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ओल्ड एज. तो ये एक टर्म है, अगर आपने ये मेंशन कर दिया ओल्ड एज के लिए तो लर्नेड माने जाओगे. हो पे कमेंट नहीं कर रहा मैं। स्पेशल फोकस ऑन फैसिलिटेटिंग, ये रिकमेंडेशंस की बात कर रहे हैं हम। स्पेशल फोकस ऑन फैसिलिटेटिंग इन सीटू एज केयर, प्रॉब्लम एक और भी है ना इसमें साथ में, जो आपके ओल्ड एज होम है ना वो किसी सेंट्रल लॉ के तहत रेगुलेटेड नहीं है कि ओल्ड एज होम में बेसिक फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए, वो चैरिटी पे चल रहा है, रेगुलेशन की कमी है वहाँ पे, राइट। तो जो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा इसमें वो यही होगा कि सबसे पहले तो हम जैसे उनकी वैल्यू सिस्टम की बात थी, तो आप इन सीटू केयर के लिए काम करो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम आप कर सकते हो, राइट, पर इन सीटू को हमने प्रमोट करना है, उसमें रिकमेंडेशन में हम ये दे रहे हैं। ठीक है बच्चे, कोई और पॉइंट आ रहा है किसी के दिमाग में? हाँ, वही चार ही तरीके आना बंदा करे काम। हाँ ठीक है, मतलब एक्टिव जुडिशियल रोल है ना, इमीडिएट जस्टिस। अगर कोई बंदा 85 ईयर्स का है तो आप 20 साल केस नहीं चला सकते, सिंपल एज दैट, राइट। केस हो रखे हैं, वो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, उस पर मत जाओ कि केस कैसे होगा, वो कह रहे जजमेंट्स आ चुकी हैं। हाँ तो वो प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, टाइमली जस्टिस बोलना इसको, उसका नाम दे दें क्या? अच्छा, उसमें हमने वो लिखा ना कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर, तो कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर आपका जुडिशरी इंक्लूड हो जाएगा। हाँ ये लिख लेते हैं, अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बोलो for bringing all old age homes under a standard, अरमान तुम्हारे वाला पॉइंट भी यार काफ़ी हद तक वैलिड है, उसको जो आप बात कर रहे थे कि उनको अगर हम एक एसेट ही बना लें, बहुत मेरे दिमाग में घूम ही आ रहा है ये पॉइंट कि अगर हम ओल्ड एज को, इनका पॉइंट था ओल्ड एज को अगर हम एसेट ही बना लें तो एज अ प्रॉब्लम, जैसे जो वो बोल रहा था कि प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई, तो प्रॉब्लम हट जाएगी। वो ओल्ड एज को अगर एसेट बनाना है, सरकार नहीं बना सकती, सीधी सी बात है, सरकार वेलफेयर ही दे सकती है। हाउ अबाउट इसको अगर हम सिविल सोसाइटी को इंक्लूड कर लें, राइट, सम डिजिटल सोल्यूशन वाया सिविल सोसाइटी। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि इसका पॉइंट रिफ्यूट नहीं हो पा रहा है, जो अरमान ने पॉइंट दिया कि अगर आप, बात तो सही है, आपने ओल्ड एज होम को एसेट बना लिया तो वो प्रॉब्लम ही नहीं रही ओल्ड। आफ्टर सर्टेन एज नहीं चला सकते वो, वो भी आफ्टर सर्टेन एज, वहाँ का सोचो। हाँ राइट, उसकी वजह से मतलब वो भी चेंजेस हो सकते हैं कि मेंटली और फिजिकल कैपेसिटी बढ़े आने वाले टाइम, तो वो तुमने सोचने पे लगा दिया। एक 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 काम करो, एक ये पॉइंट लिख लो आप, इंक्लूजन ऑफ सिविल सोसाइटी, इसमें देखना अगर सब्स्यूम होता है तो ट्राई करना रैप अराउंड करने की। इंक्लूजन ऑफ सिविल सोसाइटी एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर, उनको भी घसीटते हैं बीच में, एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर जॉयफुल एजिंग, साथ साथ लिख लेना बच्चे प्लीज, फॉर जॉयफुल एजिंग, मजा आना चाहिए जीने में, जॉयफुल एजिंग, कॉमा सोशल असिस्टेंस जिसमें अरमान तुम्हारा पॉइंट इंक्लूड हो गया कि कैसे काम करेंगे उनसे। सोशल असिस्टेंस एंड एल्डर एब्यूज प्रिवेंशन / अवेयरनेस। ठीक है, सब कुछ हो गया। अब कितने पॉइंट्स बने आपके रिकमेंडेशन के? कितने बने? 8 पॉइंट्स बन गए, 7 पॉइंट्स बन गए, कम बने होंगे, 7 ही पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसमें से 2-3 पॉइंट्स को एक क्लब किया जा सकता है। जैसे आपका जो वो गैरिएट्रिक वाला जो टर्म है, वो सिर्फ टर्म देना चाह रहा था मैं आपको, इसलिए मैंने पॉइंट लिखवा दिया, पर उसका मतलब ऑलरेडी इधर उधर फ्यूज्ड है, राइट? ठीक है, सिंपल इनफ। चले बच्चे आगे आ जाओ। दोबारा बोलो। हाँ, क्योंकि ये परसेंटेज है। हाँ, राइट। वो आपने जनरल कर दिया। आप चाह रहे हो कि अब हमारी जीडीपी कैसे बढ़ेगी, कि अगर काम करने वाली पॉपुलेशन कम हो गई, राइट, तो जितने काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा करना पड़ेगा सेम जीडीपी के लिए। फिर क्या मतलब है आपको, बताओ? कि डेमोग्राफिक डिविडेंड कम हो रहा है। अलग रखो टॉपिक्स, कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों को लिंक मत करो। ठीक है जी, चलिए। कोई आ रहा है यहाँ से, पॉइंट आ रहा है कुछ? डिबेट थी, अरे वाह, माय फेवरेट। बताओ क्या डिबेट है? अच्छा, हाँ। बाय द वे, सिंस 2014 आई एम रनिंग एन NGO इन चंडीगढ़। फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस लेट मी टेल यू, ओल्ड एज पीपल, जो ओल्ड एज होम्स हैं, दे मोस्टली दे डू नॉट वॉन्ट यू टू विजिट, दे डू नॉट वॉन्ट टू बी बॉदर्ड। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है ना कि मेरा बर्थडे ओल्ड एज में जाके मैं केक कटाता हूँ, है ना, साल भर के लिए मेरे को मॉरल लाइसेंस मिल जाएगा कि मैं अच्छा इंसान हूँ, राइट, आप उनका खराब कर रहे हो दिन। उनको शांति चाहिए, राइट? तो इनका वो पॉइंट है कि आपको, दैट इज़ वाई वो जो इन सीटू वाला जो पॉइंट था ना, वो इसलिए है बच्चे। गुड ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको मैं, आप भी फेस करोगे। अगर आप जैसे कोई इवेंट वगैरह कराना होगा ना, अपने जब बन जाओगे तो आपको सरकार से इंस्ट्रक्शन आ गई कि वर्ल्ड ओल्ड एज डे आ रहा है जी, या हम फलाना फलाना वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ प्लान करो। हाँ जी। अरे यार, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? अगर मैं लोनली होऊंगा तो किसी खराब इंसान का थोड़ी बैठूंगा मैं। नहीं मन कर रहा तो नहीं मन कर रहा। हाँ, लोनलीनेस अब आपका एक सॉलिट्यूड बोल दे उसको, सॉलिट्यूड बोल दो। ठीक है, ये कंफ्यूजन है। वो बोल रहा है लोनलीनेस विलफुल नहीं होती। हाँ जी, तभी तो इन सीतू बोला ना यार, कि जिनको जिनको रिक्वायरमेंट है आप बेसिक प्रोवाइड कर दो। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग, समझो इस पूरे पॉइंट को, दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि आप एक बेसिक रेगुलेशन बना दो। स्टैंडर्ड की क्योंकि कमी है, दैट इज़ वाई वी आर सेइंग रेगुलेशन बना दो। रेगुलेशन होती तो हम उस पर कमेंट कर रहे थे कि रेगुलेशन में ये कम है, ये कम है ही नहीं रेगुलेशन स्टैंडर्ड। और हमारी पॉपुलेशन अब एज होती जा रही है, और उसमें फेमिनाइजेशन और रूरलाइजेशन की प्रॉब्लम भी इंक्लूडेड है, तो करके हमें इस टाइप के सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। चले आगे। हाँ जी। एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते बच्चे आप। अभी अभी ना आप अपने लिमिटेड वर्ल्ड व्यू को ना पैन इंडिया लेवल पे अप्लाई करने लगे हो। ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले भी 1000 दफ़ा शायद ये बात बोल चुका हूँ कि जिस जगह पे तुम लोग रह रहे हो ना, ये दिस प्लेस डज नॉट रिप्रेजेंट इंडिया, ये इंडिया नहीं है। इंडिया की अगर एक्चुअल पिक्चर चाहिए तो आपको इस खासकर इस शहर से बाहर जाना पड़ेगा। ये फ्रांस है एशिया का, जहाँ पे आप लोग रह रहे हो, राइट? थोड़ा सा अलग एंगल है। इस जगह के इन्वायरमेंट को जो है आप बाहर अप्लाई मत करो। जितनी लिबर्टी आपको यहाँ मिलती है, यूआईटी पढ़ते हो ना आप? हाँ, जो कॉलेज का माहौल आपके यूआईटी में है, पंजाब यूनिवर्सिटी में है, वो आप थोड़ा सा बाहर जाओगे वहाँ नहीं है। तो थोड़ा सा अवॉइड करना इस चीज़ को कि आप इन्फॉर्मेशन को एक्स्ट्रापोलेट करो। आप किस चीज़ का सहारा लोगे इज़ द डेटा, राइट? और इसके अंदर भी एक और डेटा पॉइंट है, इज़ दैट कि एल्डरली पॉपुलेशन का शेयर परसेंटेज में प्रोजेक्शन फॉर 2036 है ना। तो केरला इज़ द वन जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज केरला वॉज द वन जिसने TFR पे कंट्रोल पाया था। हाँ, वो तो होएगा ही, दिस हैज़ टू बी द केस, राइट? और थोड़े टाइम के बाद जाके आप देखोगे कि इसकी ग्रोथ भी फिर स्टेबल होने लग जाएगी, पॉपुलेशन स्टेबल सी हो जाएगी, क्योंकि TFR 2.1 अगर हो जाएगा दैट मीन्स 2 लोग मिलके 2 ही नए ह्यूमन बींग्स आप लेके आ रहे हो। दैट मीन्स कि वो रिप्लेसमेंट वाली जो आपकी रेशो है वहाँ तक आप पहुँच जाओगे, आपकी पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, तो फिर आप और सोल्यूशन में जा सकते हो। हैंस योर क्वेश्चन जो आप बोल रहे थे कि अब फिर उसके बाद में डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे यूज़ होगा, तो आपका स्टेबल हो जाएगा। एक समय पे लोड आएगा ही आएगा, राइट? फिजिक्स की भाषा में इसको जर्क लोड बोलते हैं, अचानक से। यस, एग्जैक्टली। एंड क्यों यूपीएससी से पूछेगा? बिकॉज यू गाइज आर दी वन जो कि 4 रनर्स रहेंगे उनकी कोई भी पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के, राइट? तो आप लोगों का दिमाग इसके ऊपर सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेंस के अंदर कोई क्वेश्चन भी आता है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड ही आएगा ओल्ड एज को लेके, तो वहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना रेडिकल व्यू पॉइंट्स, ठीक है? आ जाओ। ये पास कर दो बच्चों, थैंक यू। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, कम टू पेज नंबर 6, ठीक है? एक्चुअली बिकॉज लास्ट ईयर भी ये सेम टाइम पे आया था, देयर इज अ मिस्टेक हियर कि इसमें ना GII 2022 का डेटा डल गया, राइट? इट शुड बी GII 2023। हाउएवर क्योंकि उसका रैंक सेम ही आया इंडिया का, इंडिया ने रैंक मेंटेन किया है अपना, राइट? तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज कि GII होता क्या है और उसको नापते कैसे हैं हम लोग। आइए, या सो इट इज गिवन बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? जो कि एक ग्लोबल फोरम है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए एंड सर्विसेज के लिए। UN की एक एजेंसी है, उसके थ्रू है। लिख देंगे इसको, कोई नहीं, बाद में। ये जो इंडेक्स है नंबर 1 आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एनुअली पब्लिश होता है, राइट? एज अ रेफरेंस यूज होता है ये, है ना, कि आपका इनोवेशन आपकी इकोनॉमी के अंदर कैसे चल रही है, कितनी चल रही है, रैंकिंग आती है इसके अंदर। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है बच्चे इज द लास्ट वाला पॉइंट, उस पे आइए एक बार आप। पैरामीटर्स ऑफ कंप्यूटिंग द इंडेक्स इंक्लूड इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, और जो आखिरी के आपके हैं बाकी अगर आप समझ पा रहे हो तो बाकी ना इनोवेशन के इनपुट्स हैं, लास्ट वाले 2 आउटपुट्स हैं। यू कैन इवन मार्क दैट आउट, लिख सकते हो उनको। आखिरी के जो दो हैं, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स एंड इट इज क्रिएटिव आउटपुट्स, उसको करेक्ट कर लो आप, क्रिएटिव आउटपुट्स। लेट्स राइट समथिंग अबाउट वीपो, है ना। उसके बाद में हम थोड़ा सा, अगर जिसको किसी भी पॉइंट में डाउट होगा, हम उसमें थोड़ा थोड़ा उसको एलेबोरेट कर लेंगे कि ईच एंड एवरी पैरामीटर का मतलब क्या है, कि अगर हम इनोवेशन को नापने जा रहे हैं तो कैसे नापी जाती है। वीपो, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। आइए बच्चे, was established in 1967 it is a self-funding, next point, self-funding agency of United Nations aims to develop a balanced and effective international IP system. Aimed at developing a balanced and effective international IP systems. इससे क्या होगा, ब्रैकेट में लिख लो कि क्या, क्यों ये एम कर रहा है कि कोई एक सिस्टम होना चाहिए ग्लोबली टू एनेबल इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अगर आप कोई इनोवेशन करते हो नहीं जो आज तक नहीं हुआ था, और आप इन्वेंटर हो और आप करते जा रहे हो और आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा, आपने बनाया, इमीडिएटली किसी ने आके कॉपी कर लिया, तो आप एक समय पे बताना बंद कर दोगे या इनोवेशन करनी बंद कर दोगे, राइट। आप अपनी क्रिएटिविटी को नहीं दिखाओगे कि ठीक है मैं नहीं करूँगा, राइट। सो अगर आपके पास में इफेक्टिव IP सिस्टम होगा तो उस सेंस में ये बात हो रही है दैट इट विल एनेबल इनोवेशन, कि वो आपकी इनोवेशन को आपको मटेरियलाइज करने का मौका देता है, राइट उस सेंस के अंदर, ठीक है, समझ रहे हो। नहीं इसको दोगे इनोवेशन को तो आपकी जो सोसाइटी, मतलब जो आप करना चाह रहे हो उससे आप जो अपना स्टेटस चेंज करना चाह रहे हो वो नहीं होगा, राइट। हाँ जी बच्चे, ये जो आपके इंडिकेटर्स हैं उस पे बताइए मुझे किस वाले में प्रॉब्लम है। कि सबको एक बार ऊपर से बता दूं, थोड़ा सा सारे बता दूं, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशंस, कि हम सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि जो पहले आपके 5 हैं दैट इज योर इनपुट्स, ठीक है जी। जो बाद के 2 हैं दैट इज योर आउटपुट। इंडेक्स में भी ऐसा ही है, इनपुट बेस्ड और आउटपुट बेस्ड। तो इंस्टीट्यूशन की जब बात होती है तो हम उसमें बात करते हैं कि आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है। इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन यू कैन आल्सो राइट इट डाउन, बाय द वे। आपको इनोवेशन समझ में आएगा कि इनोवेशन जब हम बात करते हैं तो किस किस लेवल पे जाके देखना होता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, जैसे इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो भी आई थिंक इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर ही करेंगे हम, दैट इज वाई हमने दोनों को साथ रखा है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, लास्ट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। कि हाँ बच्चे, इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, लिखा हुआ है यहां पे। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की वजह से जब हम बात करते हैं ना, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का मतलब कि क्या रूल्स प्लेस में है, राइट और क्या वो एनफोर्स हो रहे हैं, और इनकेस अगर कोई घपला हो रहा है तो एज पीयूष सेट कि आपका केस कितनी जल्दी सॉल्व कर रही है गवर्नमेंट, राइट? तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर ये आप इन्वायरमेंट दोगे, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट दोगे, तो आपकी इनोवेशन माना जाएगा कि अब आप इनोवेट कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च। ह्यूमन कैपिटल समझते हो आप? बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स, HR, है ना, आप लोग जो हो कंट्री के लिए। वैसे एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल ऐसे ही नापा जाता है, एजुकेशन, और क्योंकि एंड रिसर्च गिवन है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D पे आप कितना काम करते हो, किस चीज़ का? बच्चों आउटपुट में आएगा वो कि उससे आउटपुट क्या निकली है, इंडेक्स के हिसाब से। वहाँ आपकी बात समझ रहा हूँ मैं, दोबारा बोलो। हाँ हाँ जी, टर्शरी एजुकेशन लिख लीजिए, टर्शरी एजुकेशन एक्चुअली इसका पार्ट भी है वो। इन सब के तीन पार्ट्स हैं, तीन सब पार्ट्स हैं, दो लिखे थे ना अभी तक हमने। हाँ, गुड ऑब्जर्वेशन, नाइस, कीप इट अप। टर्शरी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बात कर रहे हैं ये? डिजिटल एज है तो नंबर 1 इज ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी रोड्स और ये सब। एक एंगल और है, बड़ा खतरनाक सा एंगल है, कि अल्टीमेटली सारी इनोवेशन आप डिराइव कहाँ से करते हो, एवरी क्रिएटिविटी कहाँ से डिराइव होती है, दिमाग कहाँ से कर रहे हैं? फ्रॉम द नेचर, फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँचा दरमान, पहुँच जाएगा एक दिन, कोई नहीं, गिव इट सम इयर्स। हाँ, लगेंगे। इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट इज अ फैक्टर यहाँ पे। नेक्स्ट इज मार्केट सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन मतलब कि आपका सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसमें कितने वेरिएबल्स हैं। जब आपकी ग्रोथ, जैसे फॉर एग्जांपल द डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन, द कोर डेफिनेशन कि व्हाट इज एवोल्यूशन इज व्हेन अ सिस्टम गोज फ्रॉम बेसिक टू कॉम्प्लेक्स। द इंक्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज सिंपली कॉल्ड एवोल्यूशन। तो जब भी एवोल्यूशन होगी कपल्ड विद इनोवेशन, तो आपका जो सिस्टम है, हाँ, वो सोफिस्टिकेट होगा। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि मार्केट सोफिस्टिकेशन इज क्रेडिट, जो इन्होंने डाला हुआ है, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, मार्केट इसी पे बेस्ड होती है, क्योंकि क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, और जब ये दोनों चीज़ें हो जाती है तो ट्रेड एंड कंपटीशन। नेक्स्ट इज, अच्छा ये सारे लिख रहे हो ना आप, अब बिजनेस सोफिस्टिकेशन। आओ थोड़ा फटाफट करते हैं, 4:30 बजे तक फ्री कर देंगे आपको। बिजनेस सोफिस्टिकेशन, आपका बिजनेस कैसे सोफिस्टिकेट बनता है, इस जब आपके पास स्पेशलाइज्ड वर्कर्स आने शुरू हो जाते हैं। नॉलेज वर्कर्स, नंबर 1 नॉलेज वर्कर्स। इनोवेशन लिंकेजेस, जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर आप देखो, जो अब आज के टाइम में जो क्रिकेट चल रहा है, जिस लेवल पे गया हुआ है क्रिकेट, तो उसमें आपकी इनोवेशन लिंकेज कितनी ज़्यादा है, इन द सेंस कि आपके पास DRS सिस्टम आ गया है ना, आप आउट नॉट आउट का बता सकते हो। अगर आप ह्यूमन लेवल पे बात करोगे तो प्लेयर्स के लिए पहले एक फिजियो होता था, अब अलग अलग टाइप के फिजियोज हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो गई है। मेंटल फिटनेस के लिए भी आपके पास में वहाँ पे एक कोच है, राइट? तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इनोवेटिव लिंकेजेस की बात हो रही है किसमें? हाँ हाँ बिल्कुल, तो इनोवेशन लिंकेज में वो कवर हो गया। आपके जो नॉलेज वर्कर्स हैं वो आपको ये चीज़ भी अचीव करके देंगे। लास्ट इज नॉलेज एब्जॉर्प्शन, सीख कितना रहे हैं। इसको ना हर एक पॉइंट को थोड़ा सा रियलाइज करके देखना बच्चे, ये आपकी आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। ये आपको ये बता रहा है कि इनोवेशन, अगर फॉर एग्जांपल कोई इनोवेशन के ऊपर एनालिसिस क्वेश्चन आ जाता है राइट, तो ये पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हो। तो देख लेना कितने उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं और उसके बाद में अपना आंसर बना सकते हो राइट। आउटपुट की बात कर लेते हैं, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स। बहुत सिंपल है ये, इसको हर एक वर्ड को रियलाइज कर लेना। नॉलेज क्रिएशन, कि नई नॉलेज कितनी क्रिएट हुई है। जैसे कि कितनी बार बटन दबाने पे एसी चल या बंद जाएगा, है ना, नई नॉलेज क्रिएट हो रही, नॉलेज क्रिएशन। या आउटपुट की बात कर रहे हैं हम, आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ये नॉलेज इम्पैक्ट, ठीक है, फिर मैं भी कम एफर्ट डालता हूँ। एंड नॉलेज डिफ्यूजन, क्रिएटिव आउटपुट्स, क्रिएटिव आउटपुट्स की बात हो रही है। क्रिएटिव इंटेंजिबल्स, आप एक गाना छू नहीं सकते हो, इंटेंजिबल होता है। क्रिएटिव इंटेंजिबल्स, अब इंटेंजिबल्स होगा तो क्रिएटिव गुड्स एंड सर्विसेज, या ये तो आपको यही देखने को मिल जाएगा। आप इस सड़क पर जाओगे ना पीछे, तो वो गाड़ी के पास वो बेचने के लिए आते हैं, तो उनके पास में बड़े ही टेढ़े मेढ़े से प्रोडक्ट होते हैं कि इसको आप कार के उधर फैन में लगा दो और कहीं पे भी फ़ोन ऐसे फिक्स कर लो आप, है ना। तो वो इट्स अ टेंजिबल प्रोडक्ट राइट, उस सेंस में बात हो रही है। एंड लास्ट इज, बिकॉज डिजिटल एज है, ऑनलाइन क्रिएटिविटी। तो आज के बाद आपको जब भी इनोवेशन के ऊपर कोई भी सवाल आता है राइट, हाउ एवर कॉम्प्लेक्स दिस मे सीम लाइक एज ऑफ नाउ, इसको थोड़ा रियलाइज करना कि ये क्या बात कर रहे हैं। सारा आंसर आपको यहीं से निकल के आएगा, सारा का सारा आंसर। ठीक है बच्चे, ये 4-5 चीज़ों में। हाँ जी, चले आगे। अच्छा, टॉपिक नंबर 9 कर लेते हैं पहले, ये मुझे लग रहा है कॉपीराइट वाले से खुश नहीं है ज़्यादा लोग हैं। एक जैसे ही है, आ जाओ कर लो फिर, टॉपिक नंबर 8 आ जाइए आप। तो रिसेंटली ना किसी वो इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर नोटिस भेज दिए, समन हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है अभी। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कॉपीराइट होता क्या है, बेसिकली किन चीज़ों के ऊपर लगता है कॉपीराइट, कौन से एक्ट से आया है, वो बहुत प्योर सा करंट अफेयर है ये राइट, ज़्यादा मिलावट नहीं है इसके अंदर। 1-2 टर्म्स आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये लगता किसके ऊपर है, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये वाली बात। इज गिवन बाय द लॉ टू द क्रिएटर्स, ठीक है जी, जो क्रिएट करेगा उसको मिलता है, ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। हालांकि आर्टिस्टिक वर्क डाल के सब कुछ ही इंक्लूड कर दिया है राइट, लेकिन अगर कोई इसके अलावा कोई अगर वो वर्ड डाल दें तो वो टिक नहीं करना वहाँ पे, इसलिए ये चारों वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स राइट, बेसिकली जो आपने कुछ भी जो नया क्रिएट किया है वो आप उसके मालिक हो गए हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ बंडल ऑफ राइट्स दैट इंक्लूड्स राइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि आपने अगर कोई गाना आपके सिस्टम के ऊपर प्रोड्यूस कर लिया तो यू आर दी वन जो उसकी कॉपीज बनाएगा, यू आर दी वन जो उसको इधर उधर पोस्ट करेगा, आप मालिक हो उसके। और अगर किसी और ने पोस्ट करना है तो आप उसको राइट्स दोगे, पर क्रिएटर के पास में राइट्स रहेंगे। ठीक है जी। कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, अडेप्टेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ अ वर्क, तो इसमें अडेप्टेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ अ वर्क इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ये आप फेमस हिंदी मूवीज़ देखते हो जो कि अडेप्टेशन होती है किसी सदर्न मूवी की, तो वो पहले उनसे लाइसेंस लेते हैं उसका, दे पे अ हैफ्टी अमाउंट, क्योंकि उसने सोचा था उसकी क्रिएटिविटी है लेकिन आप पैसा कमाने वाले हो, तो इसमें उसका कोई हक होना चाहिए। सेम एज द केस विद प्रीवियस वन, जो भी हमने बात करी थी आईपी वाली, वीपो इसी के लिए काम कर रहा है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे तो द कॉपीराइट एक्ट 1957, राइट, तो इस एक्ट के थ्रू ये होता है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आईएएस के लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है ये, जो नेक्स्ट है कि 6 मंथ के लिए सजा होती है एंड अप टू 3 इयर्स, मिनिमम 6 मंथ्स अप टू 6 इयर्स एंड विद मिनिमम फाइन ऑफ 50,000 अप टू 2 लाख। लेकिन यूपीएससी जो बाकी पेपर कंडक्ट करता है वो ऐसे सवाल बहुत पूछता है पनिशमेंट वाले, राइट, और पीसीएस में भी चांसेस हैं कि अगर उन्होंने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर ही कर दिया, बिकॉज पंजाब में भी बहुत केस चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा केस चलते हैं, ये एक प्रॉब्लम है पंजाब में। अगर केस हो जाता है तो उसके बाद क्या ऑप्शंस है, इसकी इमीडिएट नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप बच्चे देखेंगे, अगर वायलेशन होती है कॉपीराइट की तो दे आर एंटाइटल्ड टू रेमेडीज सच एज इंजंक्शंस। इंजंक्शंस मतलब रोक लगाना कि रोक दो इसको, आप स्ट्राइक नहीं हो जाती यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह स्ट्राइक होती है, राइट, उसको इंजंक्शन बोलते हैं कि अब आप इसको आगे के नहीं कर सकते। देन डैमेजेस एंड अकाउंट्स, कि यूट्यूब पे भी ये पॉलिसी है वैसे कि मान लो अगर आपने किसी का गाना अपने उस पर डाल दिया, राइट, तो रादर देन स्ट्राइकिंग इट डाउन वो बोलते हैं कि इससे जितना भी पैसा आएगा सारा हमें दे दो, अकाउंट हमारे पास जाएगा, राइट। तो ये फ़ायदा भी होता है क्योंकि सेम ही बंदा 2 बारी अगर गाने सुन रहे, एक बार यहाँ व्यू चला गया तो दूसरी बार में काउंट नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर व्यू जाएगा तो उसको पैसा चला जाता है, राइट। तो ये एक लूप होल भी है बाय द वे। टाइप्स ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ये लिख लो एक बार, 2 टाइप की इन्फ्रिंजमेंट होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। बहुत इंट्यूटिव है ये, आपको सुनते ही समझ में आ जाएगा। प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट अकर्स व्हेन देयर इज एन एक्चुअल एक्ट ऑफ कॉपिंग, ठीक है जी, समझ में आया ये। दूसरा समझो फिर सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट, व्हेन एन अनऑथराइज्ड डीलिंग टेक्स प्लेस, अनऑथराइज्ड डीलिंग्स टेक प्लेस सच एज, क्या एग्जांपल होगा इसमें, सेलिंग ऑफ पायरेटेड बुक्स, गेम्स एक्सेट्रा। समझ में आया बच्चे? प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट इसकी किसी का कोई ऑलरेडी आइडिया है, मैंने भी उसी आइडिया पे सेम सा नाम देके जो है एक बुक छाप दी, राइट, तो मैंने कर दी प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट। लेकिन अगर मैं कोई पायरेटेड सीडी बेचने लग गया, राइट, या फिर मैंने कोई कॉपीड बुक बेच दी कि यार वो उस पर्टिकुलर ब्रांड की बुक थी, फॉर एग्जाम्पल टाटा मैग्रो हिल की थी, नकली वो लगा के मैंने नकली बेचनी शुरू कर दी, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट। ये यूपीएससी यहां पे थोड़ा सा वार करेगा। ये इसका एग्जाम्पल है बाय द वे, ठीक है, कि कैसे इन्फ्रिंजमेंट होती है। मैकडोनल्ड्स नहीं है वो, ध्यान से देखो, हाँ, इसको बोलते हैं पासिंग ऑफ। लिखिए पासिंग ऑफ, एक और टर्म है कॉपीराइट में ना, पासिंग ऑफ, PASSING, पासिंग OFF, पासिंग ऑफ। व्हेन अ ब्रांड लोगो इज मिसस्पेल्ड, when a brand logo is misspelled in such a way that it is not easy for the consumer to differentiate between the brands. हालांकि कुछ लोगों की स्माइल बता रही है कि ये एक्ट कॉन्शियसली भी किया जाता है। आप सबको एडिडास मुबारक हो। इलीगल है, क्यों पढ़ रहे हैं यार इसको हम? आगे लिखिए। इट इज अ फॉर्म, क्यों ये इलीगल है उस पर चलते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ डिसेप्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, डिसेप्शन धोखा देना, डिसीव कर लिया है ना, मिसरिप्रेजेंटेशन। और अरमान जो आपका सवाल था, नहीं इसका नाम क्या, पीयूष, और हार्म टू द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द ओनर। तो जो मैम जो पॉइंट बोल रही थी उनका कहने का मतलब ये था कि अगर तो कंपनी का एक्चुअली रेपुटेशन का नुकसान हो रहा है तो वो केस करेंगे, नहीं तो ये अगर ये इतनी घटिया चप्पल है तो इसमें तो नाइकी की पॉजिटिव ऐड ही है। अपनी क्लास में मैंने और कर दिया, यूट्यूब पे और जाएगा, है ना। तो अब कंपनी केस नहीं, उसके हक में नहीं है क्योंकि इनकी क्वालिटी एक्चुअली बहुत ख़राब होती है। देन वी हैव टर्म्स लाइक फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, है ना। ठीक है बच्चे, समझ में आया? इसके ऊपर अगर आपके पास यूपीएससी के अंदर सवाल आएगा तो या तो वो पासिंग ऑफ के ऊपर पूछ सकते हैं या कोई एग्जाम्पल देके आपसे टाइप ऑफ इन्फ्रिंजमेंट पूछ सकते हैं। आइए बच्चे, अब इजी से टॉपिक रह गए हैं, फटाफट चलते हैं आगे आगे, इन्फॉर्मेटिव से रह गए हैं। फाइव आइज, इसमें ना बच्चे मैंने आपको उतना ही पोर्शन दिया है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है फाइव आइज को लेके, राइट। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अराउंड फॉर्म हुई थी फॉर इंटेलिजेंस शेयरिंग। वर्ल्ड वॉर तो हो गया ख़त्म, राइट, ऑर्गेनाइजेशन रह गई। तो उसके बाद में इन्होंने कॉपरेशन को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया, राइट। तो वो क्या है वो हम देख लेते हैं। हिस्टोरिकल एंगल इसके अंदर गिवन है दैट ओरिजिनली इट वाज बिटवीन यूएस एंड यूके, ठीक है, जिसको ये यूके यूएसए एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता था। ये आपके प्री में सवाल आ सकता है। देन जो सेकंड लास्ट पॉइंट है बच्चे आपका, ओवर द टाइम द अलायंस एक्सपेंडेड टू इंक्लूड अदर कंट्रीज। ये अगर यूपीएससी का थोड़ा दिमाग खराब हो तो वो आपको क्रोनोलॉजिकली लगाने को दे सकते हैं, राइट, कि नेक्स्ट कंट्री कौन सी, पहली दो कंट्रीज कौन सी थी, नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट कौन सी आई, राइट, बिकॉज फाइव आई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी, न्यूज़ में है। दैट इज कैनेडा ज्वाइंड इन 1948, उसमें लिखा हुआ है। देन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिकेम पार्ट ऑफ अलायंस इन 1956, ठीक है जी। Hence your five countries: UK, USA, Canada, Australia, and New Zealand. इनकी जो cooperation है, it has extended now कि maritime, social surveillance, scientific and defense intelligence sharing, सारी intelligence sharing five eyes के थ्रू होती हैं। ये अब strategic partnership, सिर्फ strategic partnership नहीं रह गई है, right? उससे beyond हो गई है ये। देर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए लिख लो नाइन आइज। यूपीएससी इधर को जाएगा, फाइव आइज पे शायद आया, एचपीएस में क्वेश्चन आया फाइव आइज, तो बहुत लेटेस्ट है ना। नाइन आइज, द ग्रुप एक्सटेंड्स टू कवर, इसमें कंट्रीज ऐड करता जाऊंगा मैं, ठीक है। नाइन आइज, उसके बाद 14 आइज भी है। नेदरलैंड्स, डेनमार्क, फ्रांस एंड नॉर्वे। नेक्स्ट इज 14 आइज। यूपीएससी 5 आइज पे नहीं पूछेगा, यूपीएससी इन पे पूछेगा। 9 आइज और 14 आइज में कौन इंक्लूडेड है कौन नहीं है, राइट। फर्दर इंक्लूड्स 14 आइज, फर्दर इंक्लूड्स, इनमें ये 9 तो है ही है, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन एंड स्वीडन। पीसीएस वाले इसको याद कर लेंगे, जरा याद से भूलना मत इसे, ये आएगा पेपर में किसी ना किसी में देखने को मिलेगा आपको। 5 आइज बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है तो 5 आइज पे नहीं पूछेंगे, तो आगे जाएंगे कि और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो इसके बियॉन्ड है, दैट इज योर 9 आइज एंड 14 आइज, राइट। बस इतना से टॉपिक है ये, बाकी एक बार आप इसका ना ये बैकग्राउंड अपने आप से पढ़ लेना। तो खत्म हो गया ना काम अब वॉर वाला। अब ये अक्सर देखा गया है ये कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करते हो एक पर्टिकुलर काम के लिए, राइट, बट थोड़े टाइम बाद वो ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई और काम ऐड उसको करना ही पड़ता है, अदरवाइज वो क्या करेंगे। अब यार नॉलेज शेयरिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल रादर देन टेलिंग द वर्ल्ड कि वो लोग सोमालियन पायरेट्स को कैसे डील करते हैं, हाउ अबाउट वो अपने अलायंस के आपस में बंदों को बता देंगे कि यार वो फलानी फलानी जगह पे ऐसा है, वर्ल्ड वाइड नहीं ओपन करेंगे ताकि सोमालिया से रिलेशन ना खराब हो। वो भी है, नाटो में ज़्यादा कंट्रीज है ना इनसे। आपका भी तो कॉलेज में 8-10 का सर्कल होगा, फिर भी तुम 2-3 कोर दोस्त तो हो गई, 8 को थोड़ी सारी बातें बताऊंगी, नो डाउट क्लास से ज़्यादा बताऊंगी अंदर की बात, लेकिन उसमें भी कोर होगा, उन 3-4 में भी कोर होगा, इन दैट सेंस, राइट। प्लेटफॉर्म्स हैं ये कि कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म कभी भी धोखा दे जाता है। जैसे हमने वो क्वेश्चन किया था ना ब्रिक्स में एस कार्ड वाला, तो उसकी मेन एसेंस ही ये थी वैसे कि आप सुपर पावर बनना चाह रहे हो, आप एक गढ़ बनना चाह रहे हो पावर का, लेकिन वर्ल्ड तो मल्टीपोलर हो गया है, वर्ल्ड में तो मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं। तो वो जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि ब्रिक्स आपको मल्टीपल पावर सेंटर्स के सेंटर में लाके बिठाएगा, समझ रहे हो। हाँ चलिए, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? हाँ, सो ही पास्ड अवे ऑन 28th of September, राइट। सो हमारे लिए उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, राइट। और पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एचसीएस पीसीएस के अंदर हाई पॉसिबिलिटी है, एचपीएस के अंदर नेक्स्ट ईयर हाई पॉसिबिलिटी है। यूपीएस अगर पूछेगा तो वो किसी और एंगल से पूछेगा, राइट। लेकिन मोस्टली सारे एंगल जो हैं इसके अंदर कवर हो रखे हैं, जिस पे भी सवाल बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक चीज़ें आप अंडरलाइन कर लीजिए। पेज नंबर 11 पे आएंगे अगर आप, नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। यूपीएससी के पता नहीं क्या हो गया इन दिनों, तो वो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के ऊपर पूछ रहा है, तो पूछेगा तो वो इन्हीं चीज़ों से पूछेगा। पद्मश्री भी मिला हुआ है 1967 में, रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, किन लोगों को मिलता है, कैसे मिलता है, कौन सी कंट्री देती है, कौन सी कंट्री देती है, 1971 में। देन पद्म भूषण, राइट, भारत रत्न नहीं मिला हुआ, ठीक है, नोबेल प्राइज नहीं मिला हुआ, ठीक है जी, क्लियर इनफ। हालांकि जिनके साथ इन्होंने टाई अप किया था, इफ यू सी दी पॉइंट नंबर 4, हाँ, नॉर्मन बोलॉग, ही इज अवॉर्डेड विद द नोबेल पीस प्राइज, लिख सकते हैं आप। इसमें सारी हाँ, पीस प्राइज, पीस, वर्ल्ड हंगर जब आप मिटाते हो तो अनरेस्ट को आप कम करते हो। यही जो आपका क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर वाला जो क्वेश्चन था उसमें से किसी एक बच्चे ने आई थिंक ये चीज़ मेंशन करी हुई थी, था ना, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर इज क्या था, क्या क्वेश्चन है वो? हाँ, ओनली वे नहीं था उसमें कि टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए नेशंस की कि वो क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर ले। उसका जो मेन एंगल है ना बच्चे, उसमें वो ये है कि जो आपकी फूड सिक्योरिटी है उस वो क्यों ज़रूरी होती है। तो जब फूड सिक्योरिटी नहीं होती तो सोसाइटी अनरेस्ट पे आ जाती है। मेजर कॉज ऑफ वॉर्स हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो वो फूड एंड पेस्चर्स ही होता था कि कहाँ पे पेस्चर्स हैं, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे फूड है, कहाँ पे फूड नहीं है। दैट इज़ वाई फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। और क्लाइमेट चेंज आपकी फूड सिक्योरिटी पे वार कर रहा है, और क्योंकि फूड सिक्योरिटी पूरे देश को अनरेस्ट पे ले आएगी, दैट इज़ वाई वी नीड, हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये नेशन के ऊपर कि आप सबसे पहले जो है अपना रिजिलियंट कीजिए एग्रीकल्चर को। समझ रहे हो, वो उस एंगल पे सवाल था। हाउएवर एक ने ये भी मेंशन किया था, आई गेस आपका पेपर था, दिव्या नाम दिया, इन्होंने ऐसे मेंशन किया था कि सबको करने की ज़रूरत नहीं है, मेजॉरिटी हंगर इधर कुछ एशियन कंट्रीज़ में, इन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का लिखा हुआ था, इन कंट्रीज़ के अंदर है, तो सारे नेशंस को टॉप प्रायोरिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को बनाने की ज़रूरत है। तो एक ये एंगल है इसको देखने का। अगर स्टेटमेंट के ऊपर आपने एनालाइज करना है, कमेंट करना है, तो एक ये तरीका है। क्वेश्चन आपको इस एंगल पे लेके जाना चाह रहा था कि अगर आपके प्लेट में खाना नहीं ना होगा तो लोग सड़कों पे आएंगे, अनरेस्ट होगा, बेसिक नीड है जी फूड, और क्लाइमेट चेंज आपका इस पे वार कर रहा है। समझ रहे हो, ऐसे जाना है। इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए आपसे, डोंट टेल मी व्हाट इज क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, आई नो, एग्जामिनर नोज। समझ रहे हो, थोड़ा सा बिंदास होकर आंसर लिखा करो। नॉलेज नहीं चेक हो रही है आपकी, विजडम चेक हो रही है, कंटेंट है उसके पास। आइए बच्चे आगे देखते हैं। 1960s के अंदर इंडिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ फैमिन, उसके बाद में इन्होंने मेजर काम किया था उसको बचाने के लिए, राइट। इस सब में सारी चीज़ें तारीफें लिखी हुई हैं, है ना, कि क्या क्या अवार्ड्स मिले, क्या क्या है। आप लोगों के लिए जो वी शुड कॉल इट होमवर्क वो ये होगा, एक बार ना ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव इंपैक्ट्स के बारे में सोचना, ब्रॉड होके सोचना, रीजनल डिस्पैरिटी, वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर, ये वो तो बच्चों वाले खेल हैं, बच्चों वाले खेल हैं। थोड़ा सा बियॉन्ड जाओ इसके, देखो क्या और निकाल के ला सकते हो। आई डोंट हैव एन आंसर राइट नाउ फॉर दैट, अगर कुछ आता है तो देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन यही कर लेते हैं, सिंपल करते हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडिया। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सिंपल है, इस पे थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ आंसर्स आएंगे मेरे पास, है ना। सारे लोग ट्राई करना है इसको, जिन्होंने नहीं लिखा एक भी अभी तक। सिंपल है ये तो, है ना बच्चे, कर लेना। दो तीन टर्म्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जो आई थिंक यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है, लिख लीजिए। नंबर वन, यील्ड गैप। यील्ड गैप क्या होता है? अगर इससे कोई क्वेश्चन, इस पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो इन टर्म्स के ऊपर भी आ सकता है। लेट्स गेट प्रिपेयर्ड। यील्ड गैप, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल और मैक्सिमम अचीवेबल यील्ड, सिंपल है तो, है ना, ऑफ अ क्रॉप, पोटेंशियल और मैक्सिमम अचीवेबल यील्ड ऑफ अ क्रॉप एंड द एक्चुअल रियलाइज्ड यील्ड। फॉर अ गिवन एरिया, तो आप यील्ड गैप को नेशनल लेवल पे नहीं नापते हो, आपको एरिया डिफाइन करना पड़ता है कि इस एरिया में यील्ड गैप कितना चल रहा है। नेक्स्ट इज साइटोजेनेटिक्स, CYTO जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ, पता किसी को साइटोजेनेटिक्स क्या होते हैं? स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। साइटोजेनेटिक्स, CYTOGENETICS, साइटोजेनेटिक्स। स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स होते हैं, ब्रैकेट में लीजिए DNA कैरिंग स्ट्रक्चर्स। तो PCS वगैरह के अंदर सीधा सवाल भी आ सकता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द DNA कैरिंग स्ट्रक्चर्स इन अ सेल, दैट इज क्रोमोसोम्स। हाँ जी बच्चे, जी बच्चे आगे लिखिए। स्टडी ऑफ क्रोमोसोम से हमारा क्या मतलब है यहाँ पे, इज दैट एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स। कि अगर किसी प्लांट में ये क्रोमोसोम है तो इसके ऊपर कीड़ा नहीं लगता आके। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स, तुमने तो किया ही होगा ये क्लास में, है ना? ये बायोटेक इंजीनियर है इसलिए बोला मैंने ये। लास्ट इज कार्बन फिक्सेशन। ये कार्बन फिक्सेशन का ना मैं थोड़े टाइम पहले एक चीज रियलाइज कर रहा था कि मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को ना कार्बन फिक्सेशन फिजिकल लेवल पे शायद उतना रियलाइजेशन नहीं होगी इसकी। अब बाहर जाओगे ना, यू सी अ ह्यूज ट्री, स्ट्रक्चर देखना उसका, नो वेयर दैट मास कम्स फ्रॉम। ये जो कार्बन है, जो ट्री है, राइट, वो कार्बन बेस्ड लाइफ है, तो टेक्निकली इट इज़ नॉट पुलिंग फ्रॉम द ग्राउंड उसका जो मास उसने इकट्ठा किया है, इट इज़ द एयर दैट यू हैव ब्रीथ्ड आउट, वो एक फिजिकल फॉर्म लेके वो ट्री है। तो कार्बन फिक्सेशन यही है बेसिकली, लिख लीजिए। मतलब बहुत रियलाइजेबल से होते हैं ये टर्म्स कि इतना बड़ा ट्री कहाँ से हो गया, इसने एयर से लिया ये मास अपना। आइए, द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच क्रॉप्स कैप्चर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर। जो हम अद्वैत फिलॉसफी की बात कर रहे थे ना कि सब कुछ एक ही है, इस चीज से भी रियलाइज होता है। यू आर थिंकिंग दैट यू आर ब्रीदिंग इंडिपेंडेंटली, बट आप जो निकाल रहे हो वो पेड़ को चाहिए, जो पेड़ निकाल रहे हो वो आपको चाहिए। ट्राई टू स्टॉप दिस इंटरेक्शन फॉर 1 मिनट। नॉट इन माई क्लास, है ना? आई डोंट वॉन्ट अ सीन एंड अ बॉडी। आइए बच्चे, क्या लिखे हमने लास्ट में? फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड कन्वर्टेड इन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन कौन से? लाइक स्टार्च एंड शुगर, एंड कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेल्फ रीड के अंदर आप देख लेना कि देयर इज ना एक क्या बोलते हैं उसको अरमान, क्या बोलते हैं उसको जो C3C4 होता है, फोटोसिंथेटिक। लिख लीजिए, रीड अबाउट classes of photosynthetic pathways for carbon fixation. Classes of photosynthetic pathways for carbon fixation. ये C3 साइकिल को ना कैल्विन साइकिल बोला जाता है, और C4 को आई थिंक स्लैक पाथवे। तो यूपीएससी पूछ सकता है इस पर कि अगर तो सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन आपकी सिर्फ लीव्स में हो रही है, राइट तो उसको C3 पाथवे बोलते हैं। अगर वेन्स में भी हो रही है, राइट जैसे कोई प्लांट्स, आपने जो धनिया हो गया, उसकी लीव्स तो हरी होती हैं, उसकी स्टेम भी हरी होती है, तो दैट इज़ अ C4 पाथवे ऑफ फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेशन, राइट तो इसके टाइप्स हैं, क्लासेस हैं। तो यूपीएससी पूछ सकता है कि कौन सी क्लास कहाँ पे होती है। और आपने क्वेश्चन तो लिख लिया, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से बताएंगे? ऑन इंडिया, ठीक है। समझ में आ रहा है किधर को जाएगा वो, और समझ में आ रहा है किधर को जाएगा वो। चलिए क्या वो गलत लग गई फोटो क्या ये है कंफ्यूज नहीं होना पेपर में समझ रहे हो कि पहले वाली स्लाइड लगी रहने दो उसमें ज्यादा मजा आ रहा था एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है ये कि फाइनली नॉर्थ ईस्ट की कैटल है ये बाय द वे राइट। एक टर्म भी यूज होता है इनके लिए तो है ही इट इज कॉल्ड दी फैमिली बैंक। यहाँ पे लिखा हुआ है आप ये कल्चरल एस्पेक्ट्स में आएंगे ना एंड इज कॉमनली नोन एज द फैमिली बैंक ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक वैल्यू। इसको अंडरलाइन कर लो एक बार। सवाल आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड द फैमिली बैंक है ना। तो वो फोटो याद रखना मिथुन। ठीक है बच्चे साइंटिफिक नेम याद कर लो इसका। फर्स्ट लाइन में गिवन है एज फूड एनिमल कर दिया। FSSAI ने इनको फूड एनिमल डिक्लेयर कर दिया। दैट मीन्स नाउ द मीट कैन बी सोल्ड इन नॉर्मल मार्केट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। अगर आप इसकी बात करोगे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है क्या क्या होगा सोचो जरा। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है। बेच सकेंगे वो अब इसकी रेयरिंग बेटर हो सकेगी है ना। एनिमल को बेच सकेंगे मीट जो बाय द वे जो मीट है दैट इज़ अराउंड 300 रुपीज़ kg कॉस्ट। अलाइड एक्टिविटीज़ में आएगा उसको बूस्ट मिलेगा और उस वहाँ पे जाएगा। कंज्यूमर के लिए फायदा है क्योंकि FSSAI का क्या क्या फुल फॉर्म है उसकी। हाँ लिखा ही हुआ है ना उसमें। नहीं नहीं उनके नहीं है वो बोलते रहे हैं उसमें है वो इट इज कॉल्ड द फैमिली बैंक। तुम्हारे हो सकते हैं यहाँ बैठे इनको कोई लेना देना नहीं है वहाँ से। समझ रहे हो। तभी तुम्हारे को इस पे सवाल आएगा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS सर्विसेज एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे एक पंजाब का बंदा एक वेजिटेरियन वो एक ऐसी स्टेट में जा सकता है अपने सेंटिमेंट्स लेकर है ना। तो वो फैक्ट्स लेकर जाए इसलिए वो इसके ऊपर सवाल पूछेंगे कि आपको पता भी है ना कि यार वहाँ का कल्चर क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो इसका आई थिंक सेकेंड लास्ट पॉइंट है बच्चे उसमें देखिए दे आर यूटिलाइज्ड। ये पहले से हो रहा है। दे आर यूटिलाइज्ड फॉर देयर मीट मिल्क एंड हाइड्स। लार्ज एनिमल की स्किन को हाइड्स बोला जाता है क्योंकि पहले के ज़माने में इनको पहना जाता था और हट के ऊपर भी लगाया जाता था। विद देयर मीट बीइंग हाईली प्राइज्ड। ठीक है तो उनके ट्रेडिशन के लिए ऑलरेडी ये एनिमल इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या देखना है इज दैट कि इसको बोला क्या जाता है राइट और फूड एनिमल बोल दिया है कौन से एरिया में पाया जाता है कहाँ इंडिजिनस है कैसे वो घुमाएंगे क्योंकि यहाँ पे अब नॉर्थ ईस्ट में 3-4 स्टेट्स का नाम दे दिया। वो इंडिजिनस टू असम बोल देंगे या इंडिजिनस टू नागालैंड बोल देंगे कुछ इस टाइप से आपको घुमाया जाएगा इसमें पर ये पूरे रीजन में है। ठीक है जी। फैमिली बैंक वाला पॉइंट एक इसकी जो पहचान है जिसके लिए फोटो भी लगाई थी इज दैट इफ यू सी दी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें जो लास्ट पॉइंट है hump on its shoulder, long horns that curve upwards, ये पहचान है। And if you see the second point, when we say culture, economy and ecology, तो ये festivals में भी काम है right? Culture का ही part है। इससे ऊपर क्या ही कहना है। कल्चर का पार्ट है इकोनॉमी का पार्ट है तो हमने इकोनॉमी वाला पॉइंट सॉर्ट कर दिया कि आप फूड एनिमल की तरह है आप नॉर्मल बेच छुप छुपा के करने की जरूरत नहीं है राइट। आइए बच्चे FSSAI के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख लेते हैं। हाँ जी हाँ समझे नहीं, यहाँ पे अलग लॉज हैं, डिमांड नहीं होगी मार्केट डाई हो जाएगी, तो जिसको चाहिए उसको लीगल में मिलेगा। वही मैं बोल रहा हूँ, जो नहीं खा रहा उसके सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं, राइट, वो मैं बोल रहा हूँ। देखिए FSSAI इज एन ऑटोनमस स्टैट्यूटरी बॉडी, और क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी एक्ट के थ्रू वही होगी। इज एन ऑटोनमस स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर FSSAI एक्ट, ईयर बता सकता है कोई? 2006। 1988 में बच्चे वो वाला था आपका एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग वाला एक ऑर्डर आया था, वो इसमें सब्स्यूम हो गया। बेसिकली 8-10 एक्ट्स थे पहले, दूध के लिए अलग एक्ट था, मीट के लिए अलग एक्ट था, एग्स के लिए अलग एक्ट था, राइट, ऑयल के लिए अलग एक्ट था। उन सारे फूड प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके 2006 के अंदर इस एक्ट के अंदर डाल दिया था। इस एक्ट ने बहुत सारे एक्ट खा लिए थे, वो भी देख लेते हैं अभी। एस्टैब्लिश्ड अंडर FSSAI एक्ट 2006, ठीक है बच्चे, किस मिनिस्ट्री के अंडर होगा ये? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्टैंडर्ड मेंटेन करती है ये। द एक्ट कंसोलिडेट्स, बाय द वे स्टैंडर्ड सेट करेगी आपके सेफ फूड प्रैक्टिसेस, राइट, लाइसेंस टू फूड बिजनेसेस, वो सारा ये काम करती है। सिटीजन आउटरीच भी करते हैं, टेस्ट, अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो, कोई टेस्ट वगैरह कराना होता है तो FSSAI के पास जाता है ये टेस्ट, कि खाने में तो नहीं कोई गड़बड़ थी, राइट, तो ये अथॉरिटी सारा कुछ वही डील करती है। और अगर आप लोग गलती से इस डिपार्टमेंट में चले गए देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, फ्री फूड लेना मत यार, करप्शन में आता है वो। ठीक है, आइए बच्चे, क्या लिखा हमने? एक्ट कंसोलिडेट्स वेरियस अदर एक्ट्स, that were earlier handled in various ministries. Such as Number 1, Prevention of Food Adulteration Act 1954. Fruit Products Order 1955. Meat Food Products Order मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर, इतना ठीक है? ठीक है जी। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर, आइडिया देने के लिए है, बाकी UPSC आपसे पूछ सकती है कि कौन कौन से एक्ट सब्स्यूम हो गए हैं इसमें, फॉर दैट हम इसके लिख रहे हैं। एक बार ये एक ही बार पढ़ के आप याद कर लो इसको, अगर रिवाइज नहीं भी करोगे तो भी आप वहाँ पे सही आंसर मार के आओगे। 2-4 और हैं, लिख लो। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992, एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग ऑर्डर 1992, दैट इज ऑल, बस। तो मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे इन्होंने गेस किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है ना, उसमें ये क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज फूड प्रोसेसिंग एक अलग एस्पेक्ट है। अगेन ऑनलाइन बच्चे आप अपना आंसर मुझे यहाँ भेज दीजिए, राइट। अब वो सॉर्ट हो गया सारा, कौन सा रहेगा विच वन, वो देख लेना अपना एक बार, ज़्यादा कुछ है नहीं है उसमें। जो एक इसके अंदर करंट अफेयर बचा हुआ है दैट इज फोर्थ वन, उसके अंदर सब कुछ इसके अंदर गिवन ही है, राइट। अगर फिर भी लगता हुआ तो नेक्स्ट टाइम आप इसको ले आना, ज़्यादा कुछ है नहीं है उसके अंदर। एक चीज़ जो मैंने आपको सोचा था मैं इसमें बताऊंगा आपको, दैट इज़ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कि जी-सेक्स होती कितनी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। रहने तो सुझाता ज़्यादा वो कुछ नहीं है, देखो उसको एक बार, फिर भी अगर किसी को डाउट हुआ तो नेक्स्ट टाइम उसको कवर कर लेंगे अगर कोई कहेगा तो, ठीक है बच्चे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन जब अपने आंसर्स भेज देना मेरे को वहीं पे, आई विल इवैल्यूएट। और कोशिश करना कि सारे आप लोग बच्चे, आप लोग सारे ना थोड़ा पेपर आप वो यूज़ करने बंद कर दो रूल्ड वाले, राइट। प्लेन पेपर के ऊपर लिखा करो, वही मिलेगा आपको वहाँ पे। आज है नेक्स्ट क्लास तुम्हारी? कितने बजे? 5 बजे? कहाँ शुरू होती है यार, तुम लोगों ने पिछली बार ही भगा दिया था मेरे को। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं। अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ। लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024। इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली 3 चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेन्स एज वेल एज योर इंटरव्यू। नंबर 1, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा। क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी। नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं। दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, यू गेट वीकली पीडीएफ्स। जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर, उसको वीकली पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट। जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट दे के, राइट। दिस इज़ द त्रिशूल मॉडल। अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो। अगर आपने सोच लिया है, वी हैव ड्रीम्ड इट, वी कैन डू इट। जिद से जीत तक।